हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स मेक विद स्वीटी। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ मैंगो कुल्फी की रेसिपी। आप इस कुल्फी को बिना मोल्ड के किसी भी डिस्पोजल में बिल्कुल आराम से बना सकते हो। अब बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है, तो एक बार इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई करके देखना, आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आएगी। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैंगो कुल्फी बनाने के लिए आपको सबसे पहले कढ़ाई में ले लेना है आधा लीटर दूध, और ये एकदम नॉर्मल दूध का पैकेट है, मैंने कोई फुल फैट मिल्क नहीं लिया है। आप इस कुल्फी को किसी भी दूध से बिल्कुल आराम से बना सकते हो। तो मैंने आधा लीटर दूध कढ़ाई में डाल दिया है। अब आपको गैस का जो फ्लेम है वो ऑन करना है और दूध को बीच बीच में चलाते हुए दूध को अच्छे से उबालना है। ये देखिए, आपको इस तरह से बीच बीच में दूध को चलाते जाना है, वरना ये नीचे से जलने लगेगा। तो ये देखिए, दूध में अच्छे से उबाल आ गया है। अब आपको जो गैस का फ्लेम है वो बिल्कुल एकदम स्लो पे कर देना है, और लगातार जैसे आप चलाते जा रहे थे वैसे इसको चलाते जाना है और इसको अच्छे से पकाते जाना है। आपको दूध को बिल्कुल अच्छे से पका के बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा कर लेना है। आपको इसे इतना पकाना है जब तक कि ये 1/3 ना हो जाए। तो ये देखिए, दूध की जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल एकदम आधी हो गई है। इस स्टेज में आपको इसमें 2 से 3 चम्मच शक्कर डालना है। ध्यान रखिएगा, इसमें आपको बहुत ज्यादा शक्कर नहीं डालना है, वरना ये बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा। अब आपको फिर से दूध को एकदम लो फ्लेम में अच्छे से पकाना है जब तक कि ये बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए, और जो साइड साइड में मलाई लगती जाती है उसको भी आपको दूध में मिलाते जाना है। तो ये देखिए, हमारा जो दूध है वो बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। इससे ज्यादा आपको दूध को नहीं पकाना है, बस आपको गैस का फ्लेम बंद कर देना है। अब आपको दूध को बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। ठंडा होने के बाद जो दूध है वो और ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। आप इसको देख के समझ गए होंगे कि कितना ज्यादा दूध हमारा गाढ़ा हो गया है। अब आपको इसमें 1 कप पिसा हुआ आम मिला देना है। ध्यान रखिएगा, दूध को अच्छे से ठंडा करने के बाद ही आपको इसमें आम मिलाना है, वरना जो आपका दूध है वो फट जाएगा। तो ये देखिए, हमारा जो कुल्फी मिक्सर है वो बनके रेडी हो गया है। तो अभी आपको इसको साइड में रख देना है। अब मैंने छोटे छोटे टी वाले डिस्पोजल लिए हैं। आपको कुल्फी मिक्सर को डिस्पोजल में बिल्कुल एकदम ऊपर तक भर देना है। तो ये देखिए, मैंने सारे डिस्पोजल को बिल्कुल एकदम ऊपर तक भर दिया है। अब आपको इसको 2 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देना है, ताकि जो आपका मिक्सर है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। 2 घंटे बाद जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो आपको इसमें स्टिक फंसा देना है। अब आपको इसको फिर से फ्रीजर में डाल देना है, ताकि जो आपकी कुल्फी है वो बिल्कुल अच्छे से जम जाए। और ये देखिए, हमारी जो कुल्फी है वो बिल्कुल अच्छे से जम के रेडी हो चुकी है। आपको इसको निकालने के लिए पहले इस तरह से अच्छे से रब करना है, फिर बिल्कुल आराम आराम से इसको घुमा घुमा के इस तरह से निकाल देना है। और ये देखिए, हमारी कुल्फी बन के रेडी हो चुकी है। मैं आपको दूसरी कुल्फी भी निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, कितने आराम से निकल जा रही है। तो आप भी इसे घर पे जरूर ट्राई करके देखना, खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भूलना। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना।